जैसे रियल अग्रेट हुई सी दुकान है, 44 ईयर्स इसको हो के हो गया सो है। और आज हम अकबर साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अहमद वलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ये मौके पे हम ईयर इनॉग्रेशन के लिए हम लोग 50% ऑफ रखे और इसके ऊपर कुछ लकी ड्रॉज भी रखे, जो 5 ग्राम का एक गोल्ड कॉइन रहेगा, जो 5 लकी ड्रॉ उठाएंगे हम 100 कस्टमर के अंदर से, स्टार्टिंग फर्स्ट 100 कस्टमर में से। ये वीकली रहेगा ड्रॉ? नहीं नहीं, ये बस ये वीक का ही है। इसमें मुफ्ती खलील अहमद साहब, अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला साहब, बोझ भाई हमारे मामू भी है और है, सो कॉन्सलर भी है, और सोहेल भाई है, मुजफ्फर भाई है। ऑफर है सो ये 15 दिन के लिए जी। इस तरह के खुशियों के जो मौके बहुत मुकद्दर से मिलते हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं इस तकरीब का एक हिस्सा बना। अब ये जो भारत ज्वेलर है, मैं इसकी इब्तदा से आज तक की तारीख से पूरी तरह वाकिफ हूं, और ये एक ऐसी कहानी है अल्लाह ताला जिसको नवाजना चाहे तो वो इस तरह नवाजता है और एक जर्रे को आसमान से पहुंचाता है। 70 सेट वैसे एक तरह से मेरी ये खुशकिस्मती है कि वो मेरे बड़े दामाद भी होते थे, और उन्होंने जो मशक्कत को मेहनत के जरिए से अपनी जिंदगी को संवारा है वो आज की नौजवान नसल के लिए एक नजीर है। जिंदगी खाली बातों से नहीं बनती, जिंदगी जद्दोजहद, मेहनत और ईमानदारी के जरिए से कोशिश करने पर बनती है। इंसान का काम होता है वो अपनी सलाहियत जो उसने अल्लाह ताला ने उसे दी है उसको बरूए कार लाते हुए जद्दोजहद करे, मेहनत करे, और बाकी उसे जो मिलना है उसके मुकद्दर से अल्लाह ताला उसे खुद नवाजते हैं। एक काम जो खासतौर पर कारोबारी तबके के लिए है कि वो अगर चाहते हैं कि उनके कारोबार बढ़े, उनका बिजनेस जो है ऊंचाई पर पहुंचे, तो उन्हें चाहिए कि जो कस्टमर उनके पास आते हैं उनके एतमाद को बहाल रखें। इंसान कभी जो है छोटे से फायदे के लिए कस्टमर्स को धोखे देते हैं और उसके बाद वो उस कस्टमर से जो है दूर हो जाते हैं, कस्टमर उनको छोड़ देता है। सत्तार मियां की खूबी थी कि एक छोटे से छोटे मामूली से मामूली कस्टमर को भी वही इज्जत देते जो बड़े बड़े कस्टमर उनके पास कार मशीन आते, और यही वजह थी कि वो इस पूरे मार्केट में बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत के तौर पे माने जाते थे। ये अल्लाह ताला का करम है कि आज मुझे यह मौका मिला है इस तकरीब में शिरकत का और उनकी यादें ताज़ा करने का। अब ये और बात है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो है बहुत अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जो पहली 40 साल की जिद्दोजहद के बाद फिर इसको भी नागरिक किया है हमारे डॉक्टर अजीमुद्दीन बख्श साहब की जेर निगरानी में, सरपरस्ती में अनस और रफी जो 70 के दो बेटे हैं, मैं उनको दिली की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। वही होती नेक औलाद जो अपनी अपने वालिद के असासे को कि दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करे और वही इसको याद रखे कि 70 को हम मैं भी बचपन को जानता हूँ, कोई नहीं जानते होंगे, डॉक्टर जीवन साहब भी बाद में जानते होंगे, मैं बचपन को जानता हूँ। हमारे पड़ोसी थे ताज ज्वेलर्स, हमारे बिल्कुल बाजू थी, मैंने बहुत सीखा हूँ उनके जैसे अखलाक तमाम चीज, उनका जो करना करनी थी गरीबों को, तमाम चीज लोगों को जो मदद करते थे उससे अल्लाह उनको जन्नत मखलूक करे, और उन्हीं के और हमारे बड़े बुजुर्गों की दुआओं से और 4 मैं आने वाले साल में और 4-12 की शोरूम नागरिक करूंगा। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जो अपनी वालदा की तबीयत खराब होने के बावजूद भी और उसके बावजूद भी आज है ना ताखिर से आए, मगर बहुत खुश हुए
और मेरे लिए बड़ी दिल से मेरे को बड़ी खुशी हुई, इतनी मसरूफियात के टाइम उसके बावजूद भी हमको हमेशा लाड़ बाजार वालों के दिल में सालार के जमाने से बहुत मतलब है ना भाई, भाई जी के दिल में बहुत मोहब्बत है लाड़ बाजार की। तो मैं तमाम लोग को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप आइए, जो भी पुराने लोग जो पारस को जानते हैं वो री विजिट करेंगे अगर पारस को, तो मैं समझता हूँ कहीं हमारे सत्ता से लोगों को खुशी होगी और उनके बच्चों को भी सुना कि एक अच्छा था उनसे उनके जरिए जो भी काम थे उनके जो बातचीत करने का तरीका तमाम चीज़ तो वालिद के जरिए दूसरों से मिलते हैं। आज मेरे वालिद की दोस्त मिलते हैं।